कोरोना महामारी के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस लड़ाई को लड़ रहा है वह सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने को अग्रसर है। दुनिया के अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सर्वत्र सराहा गया। सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेस देने वाला भारत दुनिया का एक प्रमुख देश है और जिस प्रभावी ढंग से भारत ने 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई है वह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी है। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जो अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम घोषित किए थे उत्तर प्रदेश ने उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की और यही कारण है कि अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रथम डोज से 104% और द्वितीय डोज का जो कवरेज है वो 98.11% है। 15 से 17 आयु वर्ग के जो एज ग्रुप है ये वैक्सीन का फर्स्ट डोज इन्होंने 70% लोगों ने ले लिया और दूसरी डोज 90% लोग इसमें दूसरी डोज भी यूपी के अंदर ले चुके हैं। 12 से 14 आयु वर्ग के उत्तर प्रदेश के अंदर 98.3% जो हमारा यूथ है उसने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज 78.3% लोगों ने सेकंड डोज भी लिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ये प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज के एक विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उन सभी लोगों को जिन लोगों ने कम से कम 6 माह पहले यानी 26 सप्ताह पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है उन्हें अब बूस्टर डोज भी अमृत डोज के रूप में फ्री में उपलब्ध करवाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। 30 सितंबर का ये 75 दिन का विशेष अभियान है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 12 करोड़ 8,21,597 लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। ये वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज का अमृत डोज के रूप में उपलब्ध कराने का विशेष अभियान है और जो फ्री में हरेक भारतवासी को प्राप्त हो रहा है हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हर व्यक्ति जो भी इसकी पात्रता की श्रेणी में आता है कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज अमृत डोज के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के इस 75 दिनों के इस विशेष अभियान के साथ जरूर ले। आज उसी का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य
राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के साथ और महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी के साथ हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आए हैं। लोगों में अच्छी उत्सुकता है। हर जरूरतमंद व्यक्ति जिसे 6 माह पहले वैक्सीन की सेकेंड डोज उपलब्ध हो चुकी है वो अपना अमृत डोज इस बूस्टर डोज के साथ जरूर लेंगे, जिससे कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकें। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, हाँ वायरस कुछ कमजोर जरूर हुआ है। सतर्कता और सावधानी हर भारतवासी हर उत्तर प्रदेशवासी बरते, ये मेरी अपील। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।